बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अगुवाई वाली पीठ कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर दोषियों को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा है और 2 सप्ताह के अंदर गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि इस मामले में दोषियों की रिहाई किए जाने पर गुजरात सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट राजी हो गया है। याचिका को CPM नेता सुभाषिनी अली, साथ ही में लेखिका रेवती लाल और मानवाधिकार कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दाखिल किया था। याचिका में कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच CBI ने की थी, इसलिए गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकती। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार को पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेनी अनिवार्य है। साल 2008 में CBI की विशेष अदालत ने 13 में से 11 आरोपियों को बिल्किस बानो से दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सभी 11 दोषी अब रिहा हो चुके हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने कैद के दौरान सभी दोषियों के अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहाई का फैसला लिया। गुजरात दंगों के दौरान जब बिल्किस बानो का रेप किया गया था, उस वक्त वह 5 माह की गर्भवती थी।